कल्याण जी, वीडियो बना रहे हैं आप, आपके वीडियो बना के भेजेंगे तो क्या होने की। ये बोला है बारूद डालिए ये उल्टा लगेगा जी। अच्छा, तो ये इसमें बत्ती नाग लगा गन्ना है यार, जो रोड साइड है ना, रोड साइड वाला हल्का है, उल्टा हो गया काम थोड़ा, बत्ती सीधा हो गया हाँ बढ़िया। किसान भाइयों नमस्कार, इफ़को किसान के YouTube चैनल इफ़को के में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इफ़को के स्मार्ट फार्म बिजनौर में हैं और आपको जानकारी देना चाहते हैं कि यहाँ बहुत सारे इश्यूज हमारे सामने आए हैं, क्योंकि किसी भी फसल को पैदा करने के लिए अनेक तरह के उसके शत्रु होते हैं, अनेक तरह के उसके मित्र होते हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ ट्रांसफार्मर है, पिछले दिनों ट्रांसफार्मर हमारा ये जल गया था और इसको आने में 10 से 12 दिन लगे, तब जा करके हमने इसमें अपनी फसल में पानी लगाया और ये एक पानी की कमी इसमें लगी है। तो इस तरह से अनेक इशू यहाँ देखने को मिले हैं। हमने गन्ने की बुआई की, गन्ना अच्छी तरह बुआई हो गया, उसमें जर्मिनेशन आ गया, बाद में पता चला कि उसमें बीमारी आ गई, पाइनएप्पल डिजीज़ आया। हमने इसको रिकवर करने के लिए दोबारा नर्सरी स्विंग की, फिर वो दोबारा से ट्रांसप्लांट किया, वहाँ हमारा गन्ना अभी देखते हैं तो उतनी अच्छी बढ़वार नहीं ले पाया जहाँ बीमारी आई थी, लेकिन हाँ उम्मीद करते हैं कि ये भी कुछ ना कुछ उत्पादन हमें देगा। तो इसको हमने रिकवर किया और इसी तरह से बहुत सारे इशूज़ हैं। हाँ, सबसे बड़े इशू की हम बात करते हैं यहाँ की, यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो आती है बंदरों की, और बंदरों से परेशान मैं ही नहीं, अनेक किसान परेशान हैं, यहाँ के सभी किसान परेशान हैं। मैं मानता हूँ जहाँ बंदरों का प्रकोप है वहाँ तो सभी किसान परेशान हैं। इसके लिए हम लोग क्या क्या उपाय करते हैं, जी हाँ, आपने देखा होगा शादी ब्याह में आतिशबाजी जो होती है उसमें गोला रख के गोला छोड़ा जाता है, तो वो उससे बंदर डरते हैं, बंदर भाग जाते हैं। बंदर की संख्या थोड़ी कम हो तो कल्याण जी हमें दिखाएंगे, ये इन्होंने एक नाल ये बनवाई हुई है, ये नाल इन्होंने बनवाई हुई है, इसमें कैसे आप चलाते हैं इसको थोड़ा बताएं। इसमें ऐसे चलाते हैं सर, इसमें बारूद रखी इधर, यहाँ बारूद की एक पुड़िया आप रखते हैं, हाँ, ये हम इसमें शिफ्ट कर देते हैं, आप इसको इसमें लगाते हैं बारूद रखने के बाद, बारूद लगाने के बाद इसको धीरे से इसमें रखते हैं, फिर इसके बाद पीछे हटाते हैं, फिर स्लिप कर देते हैं, जोर से लगाते हैं तो आवाज़ आती है जी, बंदर भाग जाते हैं दूर, बंदर डर के भाग जाते हैं। अगर एक आध कोई बंदर होता है तो फिर आप क्या करते हैं, बारूद खर्च करते हैं? नहीं नहीं सर, उसके बाद हम गुलेल उठाते हैं, ये गुलेल, अच्छा गुलेल उठाते हैं, गुलेल में हम रोड़ी रखते हैं, अच्छा, और रोड़ी से कंकर करते हैं, कंकर वगैरह रखते हैं, उसके बाद इसलिए मारते हैं तो बंदर इससे डर के भागते हैं, तब जाते हैं बंदर। अच्छा, बाकी यहाँ किसानों को यहाँ बंदरों का प्रकोप ज़्यादा होने का कारण क्या है सर? यहाँ असल में पेड़ पौधे ज़्यादा हैं और ठंडी छाँव मिलती है, खाने को बाग बगीचे हैं, इसलिए बंदर का प्रकोप ज़्यादा। जैसे अब आम का जो बाग बगीचे वो ख़त्म हो गए, अब इस टाइम गन्ने पे आए हुए हैं, आम की सब हार्वेस्ट हो चुकी है क्रॉप, तो इसके बाद यहाँ सब सारा हमला बंदरों का गन्ने की फसल पर रहता है सर। अच्छा, तो गन्ने में नुकसान होता है फिर इससे जी? गन्ने में क्या नुकसान करते हैं? गन्ने का गन्ना काटते हैं और खाते हैं। अच्छा जी, गन्ने को ऊपर से तोड़ते हैं तो गन्ने के वहाँ डेडर मतलब गन्ने की बढ़वार रुक जाती है, बढ़वार भी रुक जाती है और खाते भी हैं। अच्छा, खाते भी हैं जी। तो कितने किसान परेशान हैं? इसका करीबन होंगे 50 किसान परेशान हैं, 50-60 किसान यहाँ के परेशान हैं, सभी लोग ऐसे पैरा देते हैं? सभी लोग पैरा देते हैं अपने फार्म पर। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ फार्म पे आप रहते हैं अपने हमारे इसको किसान के, आपको कैसा लगता है? हमको तो देखो सर, ऐसा लगता है कि बंदर को ज़्यादा ही प्रकोप है, 12 घंटे ड्यूटी ऐसे रहती है जैसे कि उस पर बॉर्डर पर खड़े रहते हैं तैनात, ऐसे आपको पैरा देना पड़ता है। चलिए ठीक है, तो इसी तरह आप इसका ध्यान रखें अपनी फसल का जी, और ये भगवान से प्रार्थना करें कि अच्छी फसल हमें मिले और अच्छा उत्पादन मिले। इन्हीं शब्दों के साथ किसान भाइयों, आप भी बंदरों का प्रकोप से अगर परेशान हैं तो इनकी तरह से आप बंदरों से अपनी फसल की बचाव कर सकते हैं। एक साधन और भी रहता है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अगर लंगूर ले आते हैं, लंगूर पालते हैं, तो लंगूर से बंदर डरते हैं, ध्यान रहे लंगूर कभी भी जोड़ा नहीं लाना है, जोड़ा नहीं लाना, मेल फीमेल नहीं लाना है, नहीं तो बाद में पता चलेगा कि यहाँ लंगूर ज़्यादा हो गए और बंदर कम हो गए, फिर लंगूर कंट्रोल करने के लिए आपके पास कोई साधन नहीं है। तो लंगूर आप 2 लंगूर मेल लाइए या 2 फीमेल ले कर आइए और उनको रखिए और उनका आप उनको खिलाइए पिलाइए और बंदर यहाँ आपके पास नहीं पटकेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ,
फिर से एक बार जय हिंद, जय किसान।